हेलो फ्रेंड्स, फ्रोलिक स्टेज की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के लिए आपके लिए लेके आया है फ्रोलिक स्टेज एक बहुत ही टेस्टी यमी प्लम केक की रेसिपी, जिसे फ्रूट और नट्स के साथ बनाया गया है, बिना अंडे के, बिना मिल्क, बिना कंडेंस मिल्क, साथ ही साथ ना ही इसमें कोई रम है, ना ही कोई इसमें लिक्वर है। आप इसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ये केक है। आप इसे बनाइए, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कीजिए, खुद भी एंजॉय कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आती है तो फ्रोलिक स्टेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर से क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्लम केक को बनाना। इस केक को बनाने के लिए हमें 2 स्टेप्स पहले फॉलो करने होंगे। हमें ड्राई फ्रूट्स लेना है। ड्राई फ्रूट्स में आप कोई भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स इसमें चल सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है काजू, बादाम, किशमिश और अखरोट। मैंने इसको सोकिंग करके रखा हुआ है। बेसिकली जो ये सोकिंग रहती है, ये वाइट वाइन या रम में रहती है। इन ड्राई फ्रूट्स को लेने के बाद आप वाइट वाइन या रम लेके 10 से 15 दिन तक इसमें सोक करके रखेंगे, तब ये केक बनाया जाता है। लेकिन अगर वाइट वाइन या रम आप यूज़ नहीं करते हैं तो इस तरीके से मार्केट में आपको कॉकटेल फ्रूट्स मिलते हैं। ये मैंने आज इस केक को कॉकटेल फ्रूट्स के साथ ही बनाया है। कॉकटेल फ्रूट्स के अंदर इस तरीके से मिक्स फ्रूट्स रहता है, साथ में ये ब्राइन रहती है। जो ये लिक्विड है, मैंने इस ब्राइन यानी कि ये जो लिक्विड है इसी का यूज़ किया है। इसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रखा है। 2 से 2.5 घंटे तक हमने इसको सोक करके रखना है। एक बाउल मैंने यही कॉकटेल फ्रूट्स लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बड़ी पैकिंग लेके आते हैं तो बात ये आती है कि इन फ्रूट्स को आप स्टोर कैसे करें। इसे हम इस तरीके से डब्बे में डालने के बाद डिब्बे को बंद करके फ्रीज़र में आप 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और अपनी अगली रेसिपी में इसे यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेप रहता है वो शुगर को कैरमलाइज करने का रहता है। आधी कटोरी शुगर को हमने एक पैन में डालना है और इसमें पानी या कुछ भी अभी नहीं डालेंगे, इसको डिसॉल्व होने देंगे। और जिस भी बर्तन में आप इसे शुगर को मेल्ट करें वो भारी तले का होना चाहिए, यानी कि हैवी बॉटम का पैन ही आपने लेना है इसके लिए। जब चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो हम तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद हमने इसमें पानी को मिक्स करना है। ये हमारा डार्क कलर का कैरेमल तैयार हो गया है। इसमें हमें ये इसी तरीके का कैरेमल चाहिए। कैरेमल बनाने की और रेसिपियाँ मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड है। कैरेमल से चॉकलेट बनाई है, कैरेमल सॉस है, और भी कैरेमल से बनाई हुई रेसिपीज है, चिक्की है, आप उन सबको भी देखिएगा। अब मैंने यहाँ लिया है 1/4 कटोरी ऑयल। आप कोई भी अपनी पसंद का ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल लिया है। अगर आप ऑयल नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसकी जगह बटर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी में मैं डाल रही हूँ ये फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स विद ब्राइन के साथ ही हम इसे लेंगे। जिस भी कंटेनर में आपने इसको बेक करना है उसे इस प्रकार से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वरना केक जो है वो चिपक जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, तकरीबन 1/2 टीस्पून के आसपास। इसी के ऊपर एक चलनी को रखेंगे और 1 बाउल लेंगे हम मैदा। आप चाहे तो आटे को भी ले सकते हैं, आटे से भी एक केक बहुत अच्छा बनता है। अगर आप आटा यूज़ करते हैं तो फिर इसमें कुछ
खड़े मसाले यानी कि दो इलायची, लौंग और दालचीनी, इन सबको पीस के उसका पाउडर डाल लीजिएगा, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर आप वनीला एसेंस को स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून लेना है बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून लेना है बेकिंग पाउडर। इसे डाल के हल्के हाथों से हम छान लेंगे। हमने जो ये कैरेमल सॉस बनाई है इसे भी इसी में पोर करेंगे। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस भी कंटेनर में आपने इसको बेक करना है उसमें डालने के बाद आप हल्का सा इसे टैप करेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स इसमें हो वो सब बाहर आ जाए। मैं यहाँ कुछ वॉलनट ले रही हूँ, आप चाहे तो लीजिए वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे टैप करने के बाद प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 40 से 45 मिनट तक इसको बेक करेंगे। ये 45 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर नाइफ को इंसर्ट करके देखा था, ये बिल्कुल क्लीन निकला था। इसमें हमारा केक जो है पूरी तरह बेक हो गया है। इसे हमने थोड़ी देर ठंडा होने देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा देन हम इस पर इस तरीके से प्लेट को रखेंगे। और बहुत हल्के हाथ से हमने इसको सीधा करना है। मैंने इस पे थोड़ी पाउडर शुगर को स्प्रेड किया है। आप चाहे तो पाउडर शुगर या आइसिंग शुगर या कोको पाउडर किसी को भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना टेम्पटिंग और टेस्टी केक हमारा बनके तैयार है। इस क्रिसमस पे आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर से क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई और यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।